सो हे गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी मस्त हो गए, लेकिन नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बेस्ट 5G मोबाइल फोन्स टू बाई इन इंडिया इन 2021, यानी 2021 के अंदर वो कौन से 5G फोन हैं जिन्हें आपको बाई करने चाहिए। और भाई यहाँ पर मैं जो बजट रख रहा हूँ ना, वो है 20,000 से लेकर 35,000, यानी अगर आपका भी बजट 20,000 से लेकर 35,000 के करीब है तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देख लेना, जहाँ पर मैं आपको 5G फोन्स तो बताऊंगा ही, साथ में 5G के साथ में ना और भी जो स्पेक्स हैं यानी बाकी स्पेक्स को भी कवर करने वाला होगा कि कौन सा फोन आपके लिए बेस्ट। सो हे गाइस, मैं हूं सियोम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर्स YouTube चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे कमाल की वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, और सबसे पहले हम बात करेंगे ना उन फोन्स के बारे में जो कि अंडर 25 के यानी 25,000 के नीचे आते हैं। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले 5G फोन के बारे में जो कि 25,000 के अंदर एक बेस्ट स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन है। मतलब अगर आपको भी एक क्लीन UI वाला फोन चाहिए, स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप इस फोन के साइड जा सकते हो जो कि 21,000 के करीब आता है अपने 6GB RAM और 128GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ में, जो कि है Moto G5G स्मार्टफोन। जहां पर इस फोन के साथ में आपको 21,000 के अंदर ही Snapdragon 750G 5G चिपसेट दिया गया है, तो एक बहुत ही कमाल की बात है। मतलब इस प्राइस के ऊपर बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस और साथ में 5G कनेक्टिविटी देखने को मिलता है, तो फ्यूचर प्रूफ स्मार्टफोन है। बाकी अगर बात करें परफॉर्मेंस की, तो LPDDR4X RAM दी गई है और UFS 2.1 स्टोरेज टाइप दी गई है, तो आपको रीड एंड राइट स्पीड या फिर परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप इस प्राइस के ऊपर केवल स्टॉक एंड्रॉइड के लिए इस फोन को बाय करना चाहते हो, तो थोड़ा सा जरूर समझ लेना कि इस फोन के साथ में 6.7 इंच की एक डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि मैं कहूंगा कि फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में तो आती है, सिंगल पंच होल कटआउट के साथ में जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो वो भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। बट यहां पर आपको कोई भी सुपर एमोलेड पैनल नहीं मिलती है, यहां तक कि एमोलेड पैनल भी नहीं मिलती है, एक IPS LCD पैनल मिलता है और ना ही कोई हाई रिफ्रेश रेट मिलता है, ओनली आपको 16Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो डिस्प्ले के अंदर कम से कम एक एमोलेड डिस्प्ले हो सकता था या फिर एक हायर रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले हो सकती थी, तो डिस्प्ले के अंदर मैं कहूंगा उतना अच्छा नहीं है, इस प्राइस के ऊपर एक एमोलेड डिस्प्ले तो देना ही चाहिए था। बाकी इस फोन का बैक साइड भी आपको प्लास्टिक मिलता है, इस प्राइस के ऊपर आपको ग्लास पैनल भी देखने को मिल जाएंगे, मैं आगे वीडियो के अंदर फोन्स बताने वाला हूं। और इस फोन के बैक साइड में आपको ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है, जहां पर प्राइमरी लेंस है 48 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। हालांकि 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग लेंस नहीं दिया गया, जो कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बाकी फ्रंट साइड में आपको 16 यानी 16 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर दिया गया है। इस फोन के साथ में एक अच्छी बात की लंबी बैटरी मिलती है, 5000mAh की बैटरी मिलती है और साथ में 20W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपका बजट 25,000 के अंदर है, मतलब 21,000 से लेकर 22,000 के करीब है, तो आप Moto G5G को तभी बाई करना जब आपको एक स्टॉक एंड्रॉइड वाला फोन चाहिए, क्लीन UI चाहिए, साथ में एक लंबी बैटरी चाहिए और अच्छी खासी बड़ी डिस्प्ले चाहिए। और गाइस, यहां पर मैं आपको बता दूं, डिस्प्ले के अंदर से जो ब्राइटनेस है, जो कलर्स है, वो अच्छे देखने को मिलते हैं। यहां पर आपको कोई भी डिस्प्ले के अंदर क्वालिटी इशू नहीं देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नॉर्मल 16Hz रिफ्रेश रेट है और एक IPS LCD पैनल है, तो ये दोनों ही चीजें इस फोन को बहुत ही पीछे रख देती है। बाकी मैं आपको ये फोन सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन आगे बढ़ते और बात करते अपने अगले स्मार्टफोन के बारे में, जो कि अगेन 20 अंडर 25 के आते हैं, यानी 25,000 के अंदर ही आता है, तो वो आता है Xiaomi की तरफ से Mi 10i स्मार्टफोन। अब रिसेंटली 2021 के अंदर ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है, जो कि मैं कहना चाहूंगा यहां पर ओवरऑल ठीक ठाक स्मार्टफोन है, जहां पर आपको बैक साइड और फ्रंट साइड में Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। एक हार्ड स्मार्टफोन है, लुक वाइज काफी कमाल का है, मैट फिनिश के साथ में आता है ग्लॉसी पैनल के साथ में, साथ में यहां पर बैक साइड में सर्कुलर कैमरा डिजाइन देखने को मिलता है, जो कि लुक वाइज काफी ज्यादा अमेजिंग है। उसी के साथ में यहां पर भी आपको बिल्कुल सेम Moto G5G वाला Snapdragon 750G 5G चिपसेट देखने को मिलता है। सो परफॉर्मेंस आपको इस फोन के अंदर भी कमाल की देखने को मिलेगी, लेकिन इस फोन का एक मेन हाइलाइटिंग पॉइंट है, जो कि है 108 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा। यानी इस प्राइस के ऊपर आपको Samsung के HM2 सेंसर के साथ में 108 मेगापिक्सल वाला सेंसर देना पॉसिबल नहीं है। बट अगर बात करें इमेज क्वालिटी की, तो यहाँ पर रियलिटी में जो इमेज क्वालिटी है वो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, यहाँ पर आपको डिटेलिंग थोड़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। बट ऐसा नहीं है कि 108 मेगापिक्सल वाला कैमरा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की इमेजेस आती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहाँ पर ये फोन दो वेरियंट के साथ में आता है, 6GB रैम और 8GB रैम और 128GB का स्टोरेज आपको दोनों ही रैम ऑप्शन के साथ देखने को मिलता है। जहाँ पर आपको LPDDR4X रैम मिलती है और स्टोरेज टाइप आपको UFS 2.2 की देखने को मिलती है, तो ओवरऑल रीड एंड राइट आपको अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी। बाकी इस फोन का जो डिस्प्ले है, मैं चाहूंगा कि यहां पर अच्छी खासी है, मतलब एक बड़ी डिस्प्ले मिलती है 6.67 इंच की है, जो कि फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आती है। बट हां, यहां पर भी आपको IPS LCD पैनल मिलता है, जो कि एक एमोलेड पैनल हो सकता था, बट हां 120Hz हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट देखने को मिलता है, तो काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस होगा। जब भी आप गेमिंग करोगे, स्क्रॉलिंग करोगे, तो काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस होने वाला है। और ये एडाप्टिव सिंक रिफ्रेश रेट के साथ में आती है, मतलब जो कुछ भी आप कंटेंट प्ले करोगे, जो कुछ भी आप गेमिंग प्ले करने वाले हो, सब कुछ 120Hz हाई रिफ्रेश रेट के साथ में प्ले होने वाला है, तो बहुत ही कमाल की बात हो जाती है। जहां पर इस फोन के साथ में आपको
आपको 4820 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। 5000 mAh से थोड़ी सी कम है, बट हाँ यहाँ पर आपको 33 वाट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलती है, जो कि इस फोन को लगभग एक घंटे में फुल चार्ज कर देने वाला है। तो अगर ओवरऑल स्पेक्स को देखें तो आपको अंडर 25 के यानी 25,000 के अंदर एक Xiaomi फोन चाहिए, जहां पर आपको बड़ी साइज डिस्प्ले चाहिए, एक कमाल का लुक चाहिए, हार्ड लुक चाहिए, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन चाहिए, उसी के साथ में ओवरऑल सारे स्पेक्स कमाल के चाहिए, तो आप इस फोन के साथ जा सकते हो। लेकिन गाइस रुको, अगर आपको इससे कम प्राइस के अंदर ही कमाल का फोन मैं आपको सजेस्ट करूं तो कैसा होगा, जो कि है Realme की तरफ से, जो कि 20,000 के अंदर में आता है, मतलब 20,000 के करीब आता है, ऑफर वगैरह में आप इसे 20,000 के अंदर ही बाई कर पाओगे, तो एक काफी कमाल का ऑप्शन हो जाता है। जहां पर इस फोन के साथ में मैं बोलूंगा ऑलराउंडर स्पेक्स दिए गए हैं इस प्राइस के ऊपर। जी हां दोस्तों, एक कमाल की डिस्प्ले, एक कमाल का बैक पैनल, एक कमाल की परफॉर्मेंस और कमाल की बैटरी ऑप्शन। जहां पर यह फोन अपने 6GB रैम 128GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ में 20,000 के ऊपर आता है। और अगर बात करें स्पेक्स को लेकर तो यहां पर आपको दिया गया है MediaTek Dimensity 800U चिपसेट, जो कि एक 5G चिपसेट है, और उसी के साथ में यहां पर आपको परफॉर्मेंस काफी कमाल की मिल जाएगी। मतलब 20,000 के अंदर आपको Snapdragon 765G, Snapdragon 750G से भी अच्छी खासी परफॉर्मेंस आप कह सकते हो मिल जाने वाली है। उसी के साथ में इस फोन के साथ में ना 6GB रैम 8GB रैम ऑप्शन देखने को मिलते हैं और 128GB स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहां पर आपको LPDDR4X रैम UFS 2.1 स्टोरेज टाइप मिलता है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो इस प्राइस के ऊपर मैं कहना चाहूंगा सबसे कमाल का स्मार्टफोन हो जाता है। बाकी गाइस अगर डिस्प्ले की बात करें तो वो भी काफी कमाल की मिलती है, मतलब 6.4 इंच की एक डिस्प्ले साइज दी गई है, जो कि एक AMOLED वाली पैनल है, और यहां पर आपको ना नॉर्मल 1600 रिफ्रेश रेट जरूर मिलती है, बट 180Hz के टच सैंपलिंग रेट के साथ में आती है, तो टच रिस्पॉन्स काफी कमाल का रहने वाला है। और AMOLED पैनल के साथ में आपको, तो जब भी आप कोई वीडियो देखोगे, जब भी आप कोई मीडिया कंजप्शन करोगे, तो काफी कमाल के कलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में यहां पर आपको फुल HD प्लस रिजोल्यूशन देखने को मिलता है, और फोन के साथ में ना ब्राइटनेस काफी कमाल की मिलती है। लेकिन हाँ, डिस्प्ले के अंदर अगर एक 90Hz रिफ्रेश रेट पैनल भी होता तो काफी कमाल की बात हो जाती। लेकिन ओवरऑल बैक साइड की बात करें तो प्लास्टिक बैक दी गई है, जहां पर आपको ग्लॉसी फिनिशिंग देखने को मिलता है, जहां पर आपको क्वाड रियर कैमरा दिए गए हैं, और जो प्राइमरी लेंस है वो है 64 मेगापिक्सल का, जहां पर आपको 32 मेगापिक्सल का एक सेल्फी शूटर देखने को मिलता है। बात करें बैटरी की तो 4300mAh की बैटरी मिलती है। तो ओवरऑल अगर स्पेक्स को देखें तो बहुत ही कमाल का है। लेकिन इस फोन के साथ में आपको 3.5mm ऑडियो यानी हेडफोन जैक नहीं दिया गया है, यहां पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स USB टू 3.5mm ऑडियो जैक एडाप्टर दिया गया है, बट फोन के अंदर कोई भी आपको कनेक्टिविटी नहीं मिलता है 3.5mm ऑडियो जैक के लिए। बाकी गाइस ओवरऑल अगर इस फोन की बात करें ना, तो इस प्राइस के ऊपर एक 5G कनेक्टिविटी, MediaTek Dimensity 800U जैसा पावरफुल चिपसेट, साथ में एक कमाल का कैमरा, ओवरऑल कमाल की डिस्प्ले, बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है। अगर आप 20,000 के करीब एक बढ़िया 5G स्मार्टफोन बाय करना चाहते हो तो इन सभी स्मार्टफोन को छोड़ के आप Realme X7 की तरफ जा सकते हो। लेकिन गाइस आगे बढ़ते हैं और अपने प्राइस को भी इंक्रीज करते हैं और बात करते हैं अपने अगले 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि आता है OnePlus की तरफ से, OnePlus Nord। हालांकि ये लास्ट ईयर का एक स्मार्टफोन है, बट ओवरऑल जो स्पेक्स है आज के टाइम पे भी अपने प्राइस के ऊपर कमाल के हैं। मतलब OnePlus Nord के जो स्टार्टिंग वेरिएंट है, यानी 4GB रैम 64GB स्टोरेज ऑप्शन की बात करें, तो ये आपको 25,000 के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन जब भी आप इस फोन के 4GB रैम 64GB स्टोरेज ऑप्शन को बाय करने जाओगे तो ये आपको अवेलेबल भी देखने को नहीं मिलेगा, और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करूंगा 4GB रैम 64GB स्टोरेज ऑप्शन वाले फोन को बाय करने की, क्योंकि यहां पर आपको कोई भी डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट नहीं दिया गया है, तो फ्यूचर में चल के आपको स्टोरेज में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इस फोन को 25,000 वाले वेरिएंट को नहीं बाय करो। आप इसके 6GB रैम और 8GB रैम वेरिएंट को बाय करो, जो कि आपको 27 से लेकर 30,000 के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आपको ना 30,000 के अंदर एक 5G फोन बाय करना है, तो OnePlus Nord एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन बोल सकता हूं। जहां पर अगर बात करें ना, तो Snapdragon 765G चिपसेट दिया गया है, जो कि इस प्राइस के ऊपर आपको ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे देने वाला है, मतलब अच्छी खासी आप गेमिंग कर पाओगे, परफॉर्मेंस आपको काफी कमाल की देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की है, तो OnePlus के साथ में एक प्लस पॉइंट जुड़ जाता है, जो कि इसका बहुत ही कमाल का UI। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको मिलता है ऑक्सीजन OS UI, जो कि इस प्राइस के ऊपर बहुत ही कमाल का स्मूथ एक्सपीरियंस दे देने वाला है। और गाइस OnePlus के काफी कमाल की ब्रांडिंग मिलती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। मतलब यहां पर जो अपडेट्स है वो भी आपको लंबे टाइम तक OnePlus की तरफ से मिलते रहते हैं, और आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलते हैं सॉफ्टवेयर को लेकर या फिर हार्डवेयर को लेकर। बाकी गाइस अगर बात करें स्पेक्स को लेकर, तो 6.44 इंचेस की एक डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि डुअल पंच होल कटआउट के साथ में आती है, और उसी के साथ में जो डिस्प्ले है ना वो फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले है, जो कि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। तो डिस्प्ले को देखें तो ऑलराउंडर आपको मिलता है एक 90Hz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले और एक फ्लूइड AMOLED डिस्प्ले, तो आपको डिस्प्ले के अंदर से जो कलर है वो भी कमाल के मिलेंगे और स्मूथ भी रहने वाला है। उसी के साथ में जो डिस्प्ले है गोरिल्ला ग्लास 5 के प्रोटेक्शन के साथ में आता है, HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, तो डिस्प्ले वाइज एक ऑलराउंडर फोन हो जाता है। फोन का बैक साइड भी आपको ग्लास पैनल के साथ देखने को मिलता है, एक ग्लॉसी लुक, जहां पर आपको मैट फिनिश देखने को मिलता है, और जो कलर्स है वो भी काफी ज्यादा अमेजिंग है। जहां पर आपको क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलता है, वही पुराने रेक्टेंगुलर शेप में, जहां पर जो प्राइमरी लेंस है वो है 48 मेगापिक्सल का, जो कि सोनी का IMX586 सेंसर है, तो यहां पर आपको इमेज क्वालिटी अच्छी खासी देखने को मिल जाएगी इस प्राइस के ऊपर। बैटरी की बात करें तो 4115mAh यानी 4115 की बैटरी मिलती है, 30 यानी
30 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल अगर आपका बजट ना 27 से 28,000 या फिर 30,000 के अंदर है तो यहां पर आप इसके बेस वेरिएंट को ना बाई करके 6GB रैम और 8GB रैम ऑप्शन को जरूर बाई कर लेना, जो कि 256GB तक के स्टोरेज ऑप्शन के साथ में आते हैं, एक कमाल के ऑप्शन हो जाएंगे। और OnePlus Nord को मैं अभी भी पर्सनली 2021 के अंदर भी आपको सजेस्ट करता हूं, लेकिन अगर आपका बजट 30,000 के करीब है तो आप OnePlus Nord को स्किप करके एक बहुत ही कमाल के ब्रांड न्यू स्मार्टफोन को देख सकते हो, जो कि आता है अगेन Realme की तरफ से, इनके X7 सीरीज के अंदर Realme X7 Pro स्मार्टफोन, जहां पर आपको OnePlus Nord से काफी अच्छी परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूं मिल जाएगी, क्योंकि इस फोन के साथ में दिया गया है MediaTek Dimensity 1000 Plus चिपसेट। परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी 7nm आर्किटेक्चर बेस्ड एक कमाल के चिपसेट के साथ में, वो बहुत ही अमेजिंग रहने वाली है। LPDDR4X रैम होगा, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप होगा। रैम और स्टोरेज की बात करें तो 8GB रैम 128GB स्टोरेज ऑप्शन, 12GB रैम 256GB तक का स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर बात करें इस फोन के डिस्प्ले को लेकर तो वो भी आप बोल सकते हो इस प्राइस के ऊपर एक नंबर वन डिस्प्ले स्मार्टफोन हो जाता है, जो कि 6.44 इंचेस की एक E3 सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ में आते हैं। डिस्प्ले के अंदर आपको 120Hz हाई रिफ्रेश रेट का भी सपोर्ट मिलता है, 240Hz के टच सैंपलिंग रेट का भी सपोर्ट मिलता है। उसी के साथ में जो डिस्प्ले है ना अप टू 1200 निट्स के पिक ब्राइटनेस के साथ में आता है, तो काफी ज्यादा ब्राइट है। और जो सुपर एमोलेड डिस्प्ले है उसके वजह से जो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा वो काफी ज्यादा कमाल का होगा, काफी पंची आपको कलर्स देखने को मिलेंगे डिस्प्ले के अंदर से। सो डिस्प्ले वाइज मैं कहना चाहूंगा इस प्राइस के ऊपर एक नंबर वन स्मार्टफोन हो जाता है, मतलब काफी ज्यादा स्मूथ और कलर्स ब्राइटनेस सब कुछ बहुत ही कमाल के रहने वाले। बाकी इस फोन का रेयर पैनल भी काफी अमेजिंग है, हालांकि इसका जो डेयर टू लीप का जो बड़ा बड़ा ब्रांडिंग है वो कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बट पर्सनली मुझे उतना पसंद नहीं आता है। जहां पर आपको ग्लास पैनल मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है, एक बहुत ही कमाल का बैक लुक मिलता है, और ओवरऑल फ्रंट से भी काफी कमाल का स्मार्टफोन हो जाता है। जहां पर इस फोन के साथ में कैमरा भी कमाल का मिलता है, बैक साइड में क्वाड रियर कैमरा दिया गया है, जो प्राइमरी लेंस है वो है 64 मेगापिक्सल का सोनी IMX686 सेंसर दिया गया है, तो इमेज क्वालिटी वीडियो क्वालिटी सब कुछ बहुत ही अमेजिंग आने वाली है। बाकी आपको 32 मेगापिक्सल का एक सिंगल सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, 4500mAh यानी 4500mAh 4500mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जहां पर आपको 65W यानी 65W का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। और उसी के साथ में अगर बात करें तो इस फोन के साथ में फिर से 3.5mm ऑडियो यानी हेडफोन जैक गायब किया गया है, लेकिन अच्छी बात की आउट ऑफ द बॉक्स आपको USB टाइप सी टू 3.5mm ऑडियो हेडफोन जैक डोंगल देखने को मिलता है, तो एक काफी अच्छी बात हो जाती है। सो गाइस फाइनली अगर आपका बजट 30,000 के करीब है तो मैं कहना चाहूंगा Realme X7 Pro एक कमाल का ऑप्शन होगा, जहां पर आपको एक कमाल की डिस्प्ले, कमाल का बैक पैनल, कमाल का कैमरा और अच्छा खासा बैटरी ऑप्शन देखने को मिलता है। ओवरऑल स्पेक्स को देखें तो एक कमाल का ऑप्शन हो जाता है, आप इस फोन की तरफ जा सकते हो। लेकिन गाइस आगे बढ़ते और प्राइस को भी इंक्रीज करते और बात करते अपने लास्ट स्मार्टफोन के बारे में, जो कि 35,000 के अंदर आता है। मतलब 35,000 तक मैं फोन आपको बताने वाला था और ये लास्ट स्मार्टफोन है जो कि 35,000 के प्राइस के ऊपर आता है, अपने 8GB रैम 128GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ में 35,000 के अंदर देखने को मिलता है, जो कि है ओप्पो की तरफ से आने वाला एक कमाल का कैमरा स्मार्टफोन, ओप्पो रिनो 5 प्रो स्मार्टफोन। अब रिसेंटली लॉन्च एक कमाल का स्मार्टफोन है, जहां पर आपको कैमरा फीचर्स तो भर भर के देखने को मिलते हैं, पावरफुल स्मार्टफोन है, लुक वाइज भी काफी कमाल का है और बाकी स्पेक्स भी कमाल के हैं। जहां पर बात करें स्पेक्स को लेकर तो यहां पर भी आपको वही सेम Realme X7 Pro वाला MediaTek Dimensity 1000 Plus चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि 7nm आर्किटेक्चर के साथ में आने वाला पावरफुल पावर एफिशिएंट चिपसेट हो जाता है। यहां पर भी आपको सिंगल 8GB रैम 128GB स्टोरेज ऑप्शन देखने को मिलता है। जहां पर रैम और स्टोरेज टाइप की बात करें तो LPDDR4X रैम है, UFS 2.1 स्टोरेज टाइप है, तो यहां पर भी आपको परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्राइस के ऊपर। बाकी फोन की डिस्प्ले भी आपको कमाल की मिलती है, जहां पर यह फोन अपने 6.4 इंच की डिस्प्ले साइज के साथ में आता है, जो कि एक फुल HD प्लस रिजोल्यूशन के सपोर्ट के साथ में आता है। और यहां पर आपको एक सुपर एमोलेड पैनल दी गई है, तो कलर रिप्रोडक्शन या फिर व्यूइंग एंगल आपको वीडियोस काफी कमाल के देखने को मिल जाएंगे। बाकी डिस्प्ले के अंदर से आपको ब्राइटनेस काफी कमाल की देखने को मिलती है और इस फोन के साथ में आपको ना HDR 10 प्लस का सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। जहां पर बैक साइड की बात करें तो काफी ज्यादा प्रीमियम लुक के साथ में ग्लास बैक के साथ में आता है। फोन काफी ज्यादा लाइट वेट है और काफी ज्यादा पतला हल्का डिवाइस आप बोल सकते हो। सो डिवाइस लुक वाइज काफी कमाल का है। ओप्पो रिनो 5 प्रो के कैमरा की बात करें तो वो भी काफी कमाल का है, जहां पर बैक साइड में आपको क्वाड रियर कैमरा दिया गया है 64 मेगापिक्सल का। अगेन यहां पर भी आपको प्राइमरी लेंस देखने को मिलता है, लेकिन जो उसका कैमरा है ना यहां पर आपको काफी कमाल की क्वालिटी इमेज के अंदर देखने को मिल जाएगी, वीडियोस के अंदर देखने को मिल जाएगी। उसी के साथ में फीचर्स भी आपको काफी सारे दिए गए हैं। फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर दिया गया है। और पर्सनली मैं बात करूं ओप्पो के रेनो सीरीज के बारे में तो कमाल के कैमरा फीचर्स के साथ में और कमाल के कैमरा ऑप्टिमाइजेशन और इमेज क्वालिटी के साथ में आते हैं। भाई यहां पर आपको काफी सारे मोड्स मिलते हैं, लाइक आप बहुत ही हल्के लाइट में यानी लो लाइट में भी काफी कमाल की वीडियोस रिकॉर्ड कर पाओगे, ब्राइट वीडियोस रिकॉर्ड कर पाओगे और इसी तरीके के आपको तमाम फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बैटरी की बात करें तो आपको थोड़ा कम लगेगा, बिकॉज डिवाइस काफी ज्यादा लाइट वेट है, पतला है। जहां पर आपको 4350mAh यानी 4350mAh की एक बैटरी मिलती है, 30W यानी 30W के फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। सो अगर आपका मेन प्रियोरिटी
क्वालिटी कैमरा है और उसी के साथ में 5G कनेक्टिविटी चाहिए, साथ में कमाल का लाइट वेट डिजाइन चाहिए, तो आप ओप्पो रिनो 5 प्रो को यहाँ पर चूज कर सकते हो 35,000 के ऊपर। तो बस यार कुछ यही स्मार्टफोन है जो कि आपको अभी के टाइम पे 2021 के अंदर 5G कनेक्टिविटी के साथ में देखने को मिलते हैं अपने अलग अलग प्राइस के ऊपर, अपने कमाल के स्पेक्स के साथ में आते हैं। लेकिन अगर बात करें अपने फाइनल कंक्लूजन के बारे में, तो अगर आपको 20,000 के अंदर एक फोन बाय करना है तो मैं आपको कहूंगा कि यहाँ पर आप रियलमी X7 स्मार्टफोन को डेफिनेटली बाय कर सकते हो, उसके साथ में मीट एंड आई स्मार्टफोन भी एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है। लेकिन गाइस अगर आप मोटो G5G स्मार्टफोन को बाय करना चाहते हो तो भाई मैं कहूंगा रुक जाओ, मत करो। मतलब 25,000 के अंदर बात करें तो OnePlus Nord है 4GB RAM 64GB स्टोरेज ऑप्शन के साथ में, बट वो परमानेंटली अवेलेबल नहीं होता है, उसका 6GB RAM 8GB RAM आप बाय कर सकते हो। लेकिन उससे अच्छा ऑप्शन होगा आपके लिए रियलमी X7 Pro 30,000 के ऊपर, बहुत ही कमाल का स्मार्टफोन है। लेकिन अगर आपका बजट 35,000 के करीब है तो आप ओप्पो रिनो 5 प्रो स्मार्टफोन को चूज कर लो, एक कमाल का कैमरा स्मार्टफोन है। तो बस यार कुछ यही स्मार्टफोन है, आई होप आपने अपने फोन को चूज कर लिया हो, नीचे कमेंट करके बता देना। बाकी अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छी लगी हो, वीडियो में मेहनत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करके जरूर बता देना कि कैसी लगी वीडियो। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, कंटेंट में दम लगाओ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, काफी ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी कमाल की अमेजिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नए और कमाल के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग।